मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज प्रेस वार्ता इस विषय को लेकर करी जा रही है, जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 15 दिन से लगातार सबके ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, स्टूडेंट्स मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रकार क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को 80% लेने के बावजूद भी वहाँ एडमिशन नहीं लिया मिल रहा था, उन सभी मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद पिछले 15 दिन से सड़कों पर है, सेक्रेटरी के बाहर प्रदर्शन किया गया, सड़क जाम किया गया है, और विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार प्रदर्शन किए गए, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको अरेस्ट तक भी किया गया, तो उसी संदर्भ में कल जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से हायर एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, और जिसमें जो है क्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 2019-20 की तरह 800 सीट जहां रिड्यूस किए गए थे उनको रिस्टोर करते हुए 10% सीट्स को इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, तो विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करती है, और विद्यार्थी परिषद की सारी जो भी घटना हुई है, जो भी जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आया है, वो सारी जो जम्मू कश्मीर के छात्र तनुराई है, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, जिस प्रकार से उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई, फाइट लड़ी गई, सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई, तो विद्यार्थी परिषद उनको समर्पित करती है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद के जो अन्य मुद्दे थे, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हमने बात की थी, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी के जो न्यूली एफिलिएटेड कॉलेजेस 52 सेक्शंस कॉलेजेस डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर सभी स्ट्रीम्स नहीं है, तो विद्यार्थी परिषद जहाँ सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, तो विद्यार्थी परिषद की लड़ाई इन सभी मुद्दों पर अगले आने वाले समय के अंदर भी रहेगी। साथ ही साथ मैं पुनः सभी विद्यार्थी समुदाय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।